अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आज हम बनाएंगे बीफ की बिरयानी। इसके लिए मैंने बीफ ले लिया है। ये मैंने जब बीफ आता है तो मैं उसको बॉयल करके उसको 5 मिनट तक पका के उसका पानी फेंक देते हैं और फिर उसको सुखा के हवा में उसको ठंडा करके तो उसके पैकेट बना के रख देती हूँ। तो ये 5 मिनट उबला हुआ है मेरा बीफ। तो अब ये मैंने अपने एक पैकेट निकाला है, तकरीबन ये 3 पाउच से 1 किलो के करीब है गोल। और अब इसको मैं ऑयल डाल के इसे फ्राई करूँगी। अच्छा जी, ये देखेंगे मैंने इसमें ऑयल डाल दिया और इसको मैं अब अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। और जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर मैं प्याज और लहसुन अदरक नमक मिर्ची साबुत गर्म मसाला सब कुछ डाल के उसको भूनूंगी। और ये देखें, ये हम फ्राई कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम सांसा लहसुन और प्याज को हम कर रहे हैं, छील रहे हैं। और सुमैया बाजी भी मेरे साथ काम कर रही हैं और फिर अब बाजी भी कर रही हैं। ये देखेंगे इसके अंदर अब मैं प्याज डालने लगी हूँ। अच्छा जी, ये देखें मैंने इसमें प्याज और लहसुन को मैंने रखने के ऊपर से डाल दिया है। और ये मेरा सूखे हो गया है प्याज और लहसुन। अब इसमें हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, जीरा 1 चम्मच डालेंगे, काली मिर्चों के 5-6 दाने, लौंग 4 अदद, तेज पात 1, और सौंफ 1/2 चम्मच, साबुत धनिया 1 चम्मच, सुरख मिर्चें पिसी हुई 1 भर के, हल्दी 1/2 चम्मच, एक चम्मच नमक की भर के, ये दालचीनी का टुकड़ा 1 अदद बड़ा, और बादियान खटाई का 1 फूल, बड़ी इलायची बड़ी 1 अदद, और आज क्योंकि हम बना रहे हैं बगैर टमाटर और बगैर दही के तो इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच एक टेबल स्पून हमने इसमें सिरका डाला है और 1 टेबल स्पून हम इसमें विनेगर डाल रहे सोया सॉस डाल रहे हैं। भुनाई के बाद अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच इमली का भर के, और ये डल गया है। और तो अब हम इसके भुनाई 2 मिनट करेंगे और फिर इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। अच्छा जी, मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, इतना पानी ऐड करेंगे कि जिसमें ये गोश्त गल जाए और हमारी ग्रेवी भी ज़्यादा जो हमने बिरयानी में ऐड करनी है। और अब हम इसमें एक उबाला लेके इसको दम वाली आंच पे
एक से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जो आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट के पकेगा उसका मज़ा ही कुछ और है। और अगर आपको जल्दी है तो आप इसको प्रेशर लगा लें और 1/2 घंटे का तो ये रेडी हो जाएगा। मेरे पास अभी टाइम है जिसकी वजह से मैं इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी इसे दम वाली आँच में उबाला दिलवा के। तो ये जब तक मेरे शाम का खाने का टाइम होगा तब तक ये पक जाएगा। ये देखें जी, इसमें उबाल आ गया है और अब मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। इतनी आंच करनी है कि इसमें हल्का हल्का उबाल आता रहे। अच्छा जी, ये पानी में बहुत देर से उबाल आ रहा था और उबाल आके उसकी हालत ऐसी हो गई है। और इसमें मैंने अब नमक डाल दिया और चावल ऐड कर दिए। और इस तरफ ये देखें जी, ये मेरा गोश्त रेडी हो चुका है और इसका थोड़ा सा मैं चूल्हा तेज़ करके, तो ये मुझे पानी ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा सड़ाऊंगी ताकि जला लेती हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, ये देखें चावलों में उबाल आ गया है और इसमें नमक मैंने चेक किया। नमक आपने इतना होना है जैसे हम चावलों में नमक डालते हैं, और उस वक़्त चावलों में नमक हमारे दम पे आने पे बिल्कुल ठीक होता है। ऐसा तेज़ नमक होना चाहिए चावल उबालते हुए। और हंडिया जो सा उसकी हमने ग्रेवी रेडी करनी है, उसमें भी नमक इतना होना चाहिए कि जैसे हम खाना खाएंगे तो वो बिल्कुल रोटी के साथ ठीक हो जाए। ऐसा नमक आपने डालना है। और ये मेरे चावलों की कनी आने वाली है। और जी, मेरे चावलों में कनी एक आ गई है। मेरे चावल को मैं छानने लगी हूँ। अच्छा जी, ये देखें पानी जो उसकी ग्रेवी है वो बस ऑलमोस्ट होने वाली है। इस उसमें मैं ज़रदा रंग डाल देती हूँ। ज़रदा रंग ये देखें, ग्रेवी हमने डाल दी है। फतेदार। ये जी, हमने इसमें 2 कतरे रूखे उड़े के डाल दिए हैं और बस अब हम इसे दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पे। और इस तरफ मैंने कोयला को गर्म होने के लिए रख दिया दहकने के लिए। इधर मेरा दम आ जाएगा तो फिर हम इस कोयले को फिर हम स्मोक दे देंगे। ये देखें जी, चावल अब दम पे आने वाले हैं, आ गए हैं। तो अब मैं इसमें स्मोक दे रही हूँ। 5 मिनट अब हम इसे स्मोक देंगे, हमारे चावल रेडी हो जाएंगे और हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। ये देखें जी, हमारे स्मोक की बिरयानी रेडी है और हमारे चावल भी देखें कैसे खिले खिले बने हैं। ये देखें जी, हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।